हेलो हाय जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग गुडी श्याम फैमिली ब्लॉग। एंड बहुत सारे फ्रेंड्स का मैसेज आ रहा था कि दीदी आप होम टूर कराइए, पर सारा चीज़ करने का एक टाइम होता है। तो फाइनली आज मैं आप लोग के साथ होम टूर कराने आ गई। चलिए आज अंदर होम टूर कराते हैं। यह है मेरी फ्लैट जो कि 3 BHK का है, और एंट्री करते हैं अभी अंदर। चलिए आपको इस तरह डेकोरेट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हम खुद से डेकोरेट किए हैं। और सारा ये है जो है वो हमसे जुड़े हैं, हमारा मेमोरी है, तो इसलिए ये सारा स्पेस हम ऐसे डेकोरेट किए हैं। और ऊपर जितने भी है सारे मेरी बेटी की है, और इनका फॉरेन टूर का कुछ कुछ एंटीक पीस है, और ये सब सारा मेरी बेटी की प्राइज है, मेडल्स है, ये सब है। और ये हमारा ड्राइंग एरिया जो यहाँ सोफा सेट पड़ा है, और ये वाला टीवी यूनिट है जो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। हम लोग खुद भी आ रहे हैं क्योंकि बाहर आप लोग देखे हैं कैमरा था, यहाँ पे ये कैमरा है, 3 कैमरा लगा हुआ है कि बाहर कोई नॉक करेगा कुछ करेगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं। और ये सब दोनों साइड का ऐसे डेकोरेट किया गया है। ये है हस्बैंड जहाँ फॉरेन टूर जाते हैं तो कुछ ना कुछ एंटीक पीस वो लेके आते हैं यहीं पे। और ये है उनका स्पीकर, उनका थोड़ा ऊंची आवाज में सुनना पसंद है। और ये है बेटू की अवार्ड एंड मेडल्स है कुछ, और ये उसकी पिक्चर है। और ये वाला एरिया अभी भी खाली पड़ा है जो कि अभी तक कुछ हम लाए नहीं, कुछ लाना है उसके लिए, थोड़ा अभी लाएंगे। ये वाला एरिया में ऐसे थोड़ा गमला रखे हैं थोड़ा सजाने के लिए, पौधे स्नेक प्लांट है जो कि वास्तु के हिसाब से रखना चाहिए। अच्छा बोले अभी आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आएगा लेफ्ट साइड में हमारा, ये भी एक बेडरूम है बट हमें 3 BHK की जरूरत नहीं है, इसलिए हम ये वाला बेडरूम को मंदिर रूम बना दिए। चलिए मंदिर में दर्शन कराते हैं। मंदिर में घुसते ही सबसे पहले आएंगे हमारा पांडुराम जी, जो कि ये चेयर उन्हीं के लिए ही है, ये चेयर में वो हमेशा बैठते हैं। और अब अंदर आएंगे तो ये है हमारा मंदिर, ये है मेरी छोटा सा मंदिर। और इस तरफ आप आएंगे तो ऊपर का सारा ऐसे डेकोरेट है, मतलब जो भी फॉल सीलिंग वगैरह है घर का। और इस रूम में मेरी प्रेस टेबल है, और ये मेरी स्टैंड है, वीडियो रिकॉर्डिंग का स्टैंड है। और ये सारा है ड्रॉयर वगैरह है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा प्लांट है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आएंगे तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया जो कि मेरी सबसे फेवरेट एरिया है। ये यहाँ पे डाइनिंग टेबल पड़ा है, और हमारा सारा फर्नीचर का है क्योंकि हमें उतना फैंसी चीज पसंद ही नहीं है, तो हमारा सारा सागवान फर्नीचर का है, सारा लकड़ी का। और ये है ऊपर झूमर है, ये भी हमारा छोटा सा पांडुराम यहाँ बैठे हुए हैं, ये चेयर उन्हीं के लिए ही है, ये परमानेंट उनका सीट है। तो अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको मिलेगा बालकोनी, ये स्लाइडिंग ग्लास लगा रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दीवार नहीं रखे हैं, यहाँ पे हम स्लाइडिंग ग्लास रखे हैं। ये स्लाइडिंग करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से छोटा सा बालकोनी। आइए ये देखिए,
ये है नाइट व्यू है, और ये वाला व्यू मैं आप लोग के साथ एक दिन मॉर्निंग का व्यू भी शेयर करूंगी। ये है छोटा सा बालकनी, और यहाँ है मेरी तुलसी माता यहाँ पे है, और ये दीवार में मैं छोटा छोटा प्लांट लगा रखी हूँ। और ये बालकनी में बहुत सारा पौधे है, दो बालकनी है और बालकनी दोनों में बहुत सारा पौधे है, गमला है, बहुत कुछ है, वो दूसरी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और इस साइड भी देखिए, इस साइड में भी सेम है, वही ग्लास रखा हुआ है, स्टैंड और गमला है, छोटे छोटे पौधे है, स्नेक प्लांट है, और ये टेबल क्या टेबल रोज है इसको बोलते, टेबल गुलाब है ये। चलिए अभी अंदर आइए। ये है मेरी बेसिन एरिया है, जो और दोनों साइड थोड़ा बॉक्स है, छोटा छोटा दो बॉक्स है, और ऊपर ऐसे पौधे लगा रखे हैं हम लोग ने। और ये बेसिन के नीचे देखिए यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे ब्रश वगैरह रखने के लिए एक साइड में है। और ये दूसरी साइड में भी कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ने ब्लैक का ग्लास लगाया है, क्योंकि अंदर ब्रश वगैरह है तो बाहर दिखेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। और ये देखिए ऊपर पौधे रखे हैं, सारे इंडोर प्लांट है। और सबसे बड़ी बात है बेसिन के नीचे ये जो बॉक्स है, ये देखिए इसके अंदर हमने वॉशिंग मशीन रखे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो स्पेस सेविंग हो जाएगा सोच के इसके अंदर हमने वॉशिंग मशीन रखे हैं। ये वाला जो देखिए ये मेरी क्रॉकरी यूनिट, तो बहुत सारा तो रखी हूँ मैं, ये देखिए क्रॉकरी यूनिट, इस तरफ का भी है बहुत कुछ। और इसके अंदर भी है बहुत कुछ, ये सब तो डाइनिंग टेबल के पास रखना ही है। और मेन चीज है यही तीनों, क्योंकि हम लोग जहाँ थे हरियाणा में, तो आप लोगों को पता है हरियाणा का एंटीक्विटीज है हुक्का, तो ये हुक्का है, और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये लाए थे कहाँ से, इजिप्ट का, ये इजिप्ट का है। तो मैं बोली थी ये जहाँ जहाँ जाते हैं फॉरेन टूर उधर से कुछ ना कुछ लाते हैं, उधर का स्पेशल जो है, तो इसको मैं ये जगह को इस तरफ से मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट की हूँ, और ऊपर भी थोड़ा बहुत ऐसे पीस पड़ा था तो उसको भी थोड़ा डेकोरेट कर दी हूँ। इस तरफ है टॉयलेट एक है, और सबसे बड़ी बात है हमारा यहाँ पे है ओपन किचन, क्योंकि यहाँ आप बात करते करते घर में कोई भी आए यहाँ बिठा के खाना खिला सकते हैं गर्मा गर्म, और साथ में किचन में रह के बात भी हो सकता है, तो मुझे ओपन किचन ही चाहिए था। तो ये है हमारा ओपन किचन, तो यहाँ पे चूल्हा है, गैस चूल्हा है, और यहाँ पे मेरी फ्रिज है, आओ अंदर आओ, और यहाँ पे मेरी माइक्रोवेव है, ये पानी गर्म करने के लिए जग भी रखी हूँ यहाँ पे, ये मेरी डबल डोर फ्रिज है जो यहाँ पे किचन में रखी हूँ, और किचन का सेटिंग कुछ ऐसे ही है। और इसके अंदर है एक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर, इसके अंदर ही है, क्योंकि सब कुछ अंदर ही है हमारा, सब प्लानिंग हम खुद से ही किए हैं कैसे सुंदर दिखेगा क्या होगा। और किचन कुछ ऐसे ही है, ये सारा ड्रॉयर्स वगैरह है, और ये चिमनी है, ऑन कर दी चिमनी का स्विच। अब चलते हैं बेडरूम के तरफ। ये मेरी बेटू की बेडरूम है, चलिए उसकी बेडरूम में सबसे पहले आपको मिलेगा उसकी टॉडी टेबल, आइए सामने उसकी स्टोरेज टेबल है, उसके बुक्स वगैरह है, कॉपी वगैरह है, यहाँ पे भी ड्रॉयर है उसकी बुक्स वगैरह रखने के लिए, काफी स्पेस है। और ऊपर का फॉल सीलिंग कुछ इस तरह आपको दिखेगा, ज्यादा कुछ हमने डेकोरेट किया ही नहीं। देखिए स्टोरेज टेबल के ऊपर उसकी पूरी कबर्ड है, टेडी बियर का है, सारा टेडी बियर भरा पड़ा है उसके पास।
है उसकी, टेडी बियर भरा पड़ा है उसके पास। ये उसकी सॉफ्ट टॉयज का रूम है बोलने के लिए, यहाँ टॉडी टेबल है, यहाँ सारा सॉफ्ट टॉयज है, और सामने आपको बेड मिलेगा उसकी। ये उसकी बेड है और बेड में है उसकी पीलो में उसकी पिक्चर, और ये उसकी कबोर्ड है। उसके रूम में भी एसी लगा रखे हैं। और ये उसके सारे कबर्ड है। कबर्ड का टूर अलग, एक दिन मैं आपके साथ अलग सा वीडियो शेयर करूंगी, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये उसकी ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल, ये ड्रॉयर है, उसके अंदर उसके लिए सारा जो भी जरूरत का चीज है ड्रेसिंग का इसमें ही है। और ये उसकी खुद का बना हुआ है ये सारा कुछ। ये पिक्चर भी बेटू ने ड्रॉ की थी, और ये सारा क्ले वाला आर्ट उसकी है। ये देखिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, ये सब उसकी आर्ट है, क्ले आर्ट है। यहाँ पे भी उसका एक अवार्ड है इधर भी। अभी चलते हैं इधर डाइनिंग का। ये है हमारा फाउंटेन, बुद्ध देव जी यहाँ पे है। तो देखिए ये वाला कैसा लग रहा है। ये है बुद्ध देव जी और फाउंटेन है, और इनके नीचे है छोटा सा एक रखे हैं कबर छोटा सा। तो इसके अंदर सारा नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह जो भी बेटू की चीज है, तो मतलब तुरंत आके वो खा सकते हैं, यही बोला चीज है। और ये वाला पार्ट देखिए वॉल पैनलिंग का कैसा लग रहा है बताइए। ये वाला वॉल पैनलिंग सारा कलर कॉम्बिनेशन सारा हमारा ही पसंद है। ये देखिए पूरा वॉल देखिए, चलिए अभी चलते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ एक छोटा सा पौधा। चलिए आइए, ये है मास्टर बेडरूम, मतलब हमारा बेडरूम है ये। और एंट्री करते ही आपको मिलेगा ये क्या, ये भी है ग्लास का स्लाइडिंग है, ये भी स्लाइडिंग है। और बाहर ये भी एक बालकोनी है, ये बड़ा सा बालकोनी है। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा एक छोटा सा पौधा, और सामने मिलेगा आपको कबर्ड। और एसी यूनिट हम यहाँ लगा रखे हैं एसी का, ये सारा प्लाय का काम है, और प्लाय में ही हम एसी को फिक्स किए हैं। और ये है बेड, ये हमारा बेड मतलब मेरी कबर्ड है। और ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल, ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल, इसके अंदर जो भी मेरे सामान है सारा है इसमें। छोटा सा है पर इतना ही मुझे चाहिए, ज्यादा बड़ा चाहिए भी नहीं था। ये है मेरी टेबल, ड्रेसिंग टेबल है, ये स्टूल है, सॉरी ये स्टूल है, ड्रेसिंग स्टूल है। और ये वाला ऐसे लगा रखे हैं। ये है खिड़की, ठीक है ये खिड़की है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है। ये है हमारा बेड, ये हमारा बेड। और यहाँ पे भी एक कबर्ड है, इसमें भी मेरी साड़ी है, बस इसमें साड़ी है उसमें सूट है। चलिए अब चलते हैं बालकोनी में। यहाँ पे भी हमने वॉल नहीं रखे हैं, यहाँ पे भी हमने वही स्लाइडिंग रखे हैं। सबसे पहले आपको इस कॉर्नर में मिलेंगे मनी प्लांट का एक बड़ा सा गुच्छा। पेड़ पौधे तो बहुत सारे हैं, उसके लिए मैं अलग से ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि उसके लिए अलग सा ब्लॉग बन ही जाएगा, इतना सारा पेड़ पौधे है। और ये है बालकोनी, अब देखिए ये है नाइट का व्यू है। ये देखिए ये बालकोनी बड़ा सा है।
सीधा ले चलते हैं। तो ये था मेरी छोटा सा 3 BHK फ्लैट का होम टूर है। आप लोग को मेरी होम टूर कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में बताइए। ये तो ऐसे ओवरऑल एक होम टूर ही था, पर हर एक रूम में कुछ ना कुछ है जो आप लोग के साथ शेयर करना ही है। कॉपबोर्ड में सामान कैसा अरेंज की हूँ, क्या की हूँ, वो बहुत अच्छे से मैं भी की हूँ। आप लोग के साथ अलग अलग वीडियो में शेयर करूंगी अलग अलग रूम का, क्योंकि नहीं तो बहुत वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। चैनल में नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय जगन्नाथ।